How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind everyone, I'm Siddhant Sharma and I've been recommended from 3 AFSB Gandhinagar. Jai Hind guys, I am Priyansh Lavania and I got recommended from 14 SSB Allahabad. Jai Hind everyone, myself Saksham Pandey, I got recommended from 31 SSB Jalandhar and 17 SSB Bangalore. Jai Hind everyone, myself Yashwardhan Singh and I've been recommended from 22 SSB Bhopal. Myself Archit Kothavde and I have been recommended from 17 SSB Bangalore. Hello guys, this is Nitin Kumar Yadav. I got recommended from 4 FSB Varanasi. Jai Hind guys, myself Mohammed Alfaiz. I have been recommended from 22 SSB Bhopal. Thank you. जय हिंद एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अल्फैज. मैं एक काशीपुर के एक उत्तराखंड के एक छोटे से टाउन काशीपुर से आता हूँ. मैं अपनी एनडीए की जर्नी के बारे में बताऊँ तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो क्लास 9th-8th में जब मैं था तो मेरे को एनडीए के बारे में पता चला वो कि मेरे पापा के एक फ्रेंड के बेटे थे वो सेलेक्ट हुए थे और अब वो आर्मी में कैप्टन है. उनके बारे में मेरे को पता लगा जब वो एनडीए के लिए सेलेक्ट हुए थे तो वहाँ से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिली और पता मैंने फिर एनडीए के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की. फिर 9th-10th से फिर मेरा यही मन में क्लियर हो गया था कि एनडीए ही जाना है, आर्मी ज्वाइन करनी है एज अ ऑफिसर रैंक. फिर वहाँ से मैं इस वजह से अपनी मैथ्स पे काफ़ी फोकस करता था और मेरी मैथ्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है हमेशा से 9th-10th 11th-12th. उसके बाद जब मैं 11th-12th में आया था तो थोड़े से सेटबैक्स आए थे लाइफ में. वैसे तो 10th में 92% स्कोर की थी लेकिन 11th में एकदम से ड्रॉप आ गया था, वो कंपार्टमेंट आई. फिर उसके बाद 12th में 62%. फिर ये सब पीछे छोड़ते हुए आगे के बारे में सोचा जब मेरी 12th कंप्लीट हुई. मैं एनडीए 150 के लिए प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम पे, तो फिर मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की. वहाँ पे मेरे को इतना कुछ खास मिला नहीं, जो भी हुआ वो मतलब नहीं ठीक नहीं जो भी कह सकते हैं. लेकिन फिर मैं एनडीए 150 क्लियर कर नहीं पाया था. फिर उसके बाद मैंने सर्च करा कि कोई अच्छी कोचिंग मिले, कोई अच्छी जगह मिले जहाँ मैं पढ़ पाऊँ. तो फिर मैं एक बार ऐसे ही सर्च कर रहा था रैंडमली एक चैप्टर पढ़ने के लिए, तो मेरे को अर्पित सर का चैनल मिल गया. वहाँ से मेरे को पता लगा कि अर्पित सर कौन है, उनकी टीम एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है, ये सब मेरे को पता लगा. वहाँ से मैंने पढ़ा तो मेरे को मेंटोर्स बहुत ही अच्छे लगे. बाकी चीज़ फैसिलिटीज़ को मैंने बिल्कुल इग्नोर करा और मैंने पढ़ाई को ज़्यादा देखा कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी मिल रही है. फिर मैं वहाँ पे बाद में एनडीए 151 की प्रिपरेशन के लिए जब अक्टूबर में वहाँ पे गया था लास्ट ईयर, तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे देखा मतलब डेडिकेटेड थे बहुत ही ज़्यादा. मेंटोर्स जितने भी थे सारे डेडिकेटेड थे और उसके अलावा फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी. और जितना भी हमें पढ़ाया जाता था, स्पेशली प्रवीण सर शाम को हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे, रात हो जाती थी और उनकी पढ़ाई हुई डीपीपीस, सारी टीम की जितनी भी डीपीपीस थी, मॉक टेस्ट सीरीज थी, जो इतना हेल्प किया कि जब मैं अपना रिटर्न के पार्ट में बैठा था, मतलब रिटर्न एग्ज़ाम देने गया था बरेली में, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि टीम अर्पित ने ही ये पेपर बनाया हो. वहाँ से मतलब ऑलमोस्ट 60-70% क्वेश्चन वहाँ क्वेश्चन पेपर में अर्पित सर की टीम के पढ़ाए हुए मिले थे. उसके बाद मैंने एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी को ही अपनी एसएसबी की कोचिंग के लिए चुना और ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था एसएसबी का और 151 कोर्स में. और ये जब मैं यहाँ पे कोचिंग के लिए आया था तो यहाँ पे
वैसे तो मेरे पहले मैंने आपको बता दिया है कि थोड़ा 11 12th में एकेडमिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में लो था, लेकिन यहाँ पे जब आया, यहाँ पे मेंटोर्स से मिला, उन लोगों ने समझाया, उन्होंने थोड़ा उनके समझाने से थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उसके बाद कोचिंग की 14 दिन कोचिंग करने के बाद एक हफ्ते का टाइम मिला, यहाँ पे जब मेरे को फाइनल रिव्यू दिया गया था तो आई वॉज कंसिडर्ड एज अ लो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट। आफ्टर डैट आई वेंट बैक टू माई होम फॉर 1 week, एज देर वॉज अ गैप ऑफ 1 week इन बिटवीन माई SSB कोचिंग एंड द रियल SSB। इन डैट 1 week, उस हफ्ते में मैंने पूरा, मतलब जो जो यहाँ पे मेरे को बताया गया था, क्या गलती हुई है, क्या तुम गलत आंसर्स दे रहे हो पर्सनल इंटरव्यू में, कहाँ ये सब नहीं करना है, गलतियों को कैसे छुपाना है, वो सब मैंने उस सब पे वर्क किया। उसके बाद मैं अपनी रियल SSB के लिए गया, और SSB में जब मैं गया था तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, और मेरे को, मतलब मैंने जब day 1 से day 4 तक जब मैं पहुँचा था तो मेरे को एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं रिकमेंड हो ही जाऊँगा, ये फील था। और फिर जब कॉन्फ्रेंस डे आया और वहाँ पे बोर्ड प्रेसिडेंट ने चेस नंबर लिया तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक NDA एस्पिरेंट हो तो एक बार SSB गाइड डिफेंस एकेडमी की तरफ ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पे जो डेडिकेशन है, चाहे वो SSB के मेंटोर्स हैं या फिर रिटर्न पार्ट वाले मेंटोर्स हैं, टीम अर्पित है, सभी बहुत डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, और जो रियल पार्ट है, मतलब फालतू चीज़ों को छोड़ के जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करते हैं। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन कुमार यादव, मैं ओरिजिनली अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरे डैड आर्म्ड फोर्सेस में है एंड ही इज़ अ जूनियर कमीशन ऑफिसर। मेरे दादा भी पहले आर्मी में थे एंड आई एम अ थर्ड जनरेशन ऑफिसर। मेरी मदर हाउसवाइफ है एंड आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम APS जोधपुर। मैं स्टार्टिंग से ही कैंटोनमेंट एरिया में रहा हूँ, तो आई हैव डन माई स्कूलिंग इन ऑल द APSs ओनली। फ्रॉम द स्टार्टिंग मेरे को NDA का, जैसे मैं डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को हमारे कैंटोनमेंट एरियाज़ में NDA का क्रेज़ होता है कि हर बच्चे को ऑलमोस्ट NDA का पेपर देना ही देना है। तो उसी से आसपास में कंपटीशन बढ़ा कि सबको NDA का पेपर देना है, सारे दोस्त NDA का पेपर दे रहे थे, तो उसी से हमें NDA का पता चला। तो ऐसे ऐसे मैंने स्टार्टिंग ऑनलाइन स्टडी से शुरू करी कि मैं अपने 12th के साथ अपने NDA का पेपर दूंगा। स्टार्टिंग से मेरी GAT काफ़ी ठीक थी, लेकिन आई वॉज़ लैकिंग इन मैथ्स, तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ना स्टार्ट करा, थोड़ी बहुत मैथ्स की क्लासेस देखी ड्यूरिंग माई 12th क्लासेस, लेकिन आई फेल्ड माई फर्स्ट अटैम्प्ट। ऐसे ही धीरे धीरे मैंने ऑनलाइन ही अगले 2 अटैम्प्ट में अपनी NDA की तैयारी करी, लेकिन आई फेल्ड नेक्स्ट 2 ऑफ देम ऑल्सो। लेकिन फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब आई विल जॉइन अर्पित चौधरी सर की SSB गाइड डिफेंस अकेडमी, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी उस टाइम तक। तो मैंने अपना अक्टूबर का बैच रजिस्टर किया एंड आई स्टेड देयर फॉर 6 months। मैंने 6 month वहाँ पे पहले के 3 महीने अच्छे से क्लासेस ली और अगले 3 महीने मैंने लगातार सेल्फ स्टडी करी। उसके बाद जो हमारा 16th अप्रैल 2023 को NDA 151 का पेपर था, आई क्लियर्ड इट। उसके बाद आई वॉज़ वेरी हैप्पी, माई पेरेंट्स वर हैप्पी, माई रिलेटिव वर हैप्पी। देन आई डिसाइडेड कि अब मेरे पास लास्ट SSB बची है और मेरी फर्स्ट SSB है, तो मेरे को इस अटैम्प्ट में किसी तरीके से अपने आप को रिकमेंड करवाना है। उसके लिए मैं दोबारा SSB गाइड डिफेंस अकेडमी आया अपनी SSB की कोचिंग के लिए। हेयर द SSRs आर एक्सेलेंट, उन्होंने मेरी को हर चीज़ पर बताया कि तुम में क्या कमी है, तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है और तुम्हें क्या इंप्रूवमेंट ही करनी पड़ेगी। तो ड्यूरिंग द 14-day कोर्स मैंने, क्योंकि मैं SSB के प्रोसीजर से नया था तो मेरे को सब कुछ स्टार्टिंग से करना पड़ा। मेरी साइकोलॉजी काफ़ी ख़राब थी, मेरा पर्सनल इंटरव्यू काफ़ी ख़राब था, लेकिन बस मेरा एक ही प्लस पॉइंट था, वो था मेरा GTO, जिसमें मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा था। मैं यहाँ पे जो भी SSRs ने मेरे को हमको असाइनमेंट दी, जो भी हमको जनरल नॉलेज बढ़ाने के टॉपिक्स दिए कि इन सब को प्रिपेयर करो, इन सब से तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, अच्छी होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी एक की इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी SSB में, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो तुम ऑटोमेटिकली अच्छे ढंग से दूसरों से कम्युनिकेट कर पाओगे, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाओगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे 14-day का कोर्स करा, टीचर्स ने काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी कोऑपरेटिव टीचर्स थे, सब ने एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना। उसके बाद आई वेंट होम, क्योंकि उसके कुछ 10-15 दिन बाद ही मेरी SSB थी। मैं घर गया, मैंने अपने आप को दोबारा एनालाइज़ करा कि मेरे में क्या कमी आ रही है अभी भी। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरी साइकोलॉजी में काफ़ी बड़ी दिक्कत है। उसके लिए मैंने ऑनलाइन TATs और हमको SSB गाइड डिफेंस अकेडमी में भी काफ़ी असाइनमेंट्स प्रोवाइड करे गए थे, मैंने TAT के प्रैक्टिस सेट्स लगाए, मैंने WAT के प्रैक्टिस सेट्स लगाए लगातार। और उसके बाद क्या होने लगता है कि
फिर डिफरेंट पिक्चर्स आती है तो तुम्हारे दिमाग में एक ही आइडिया आने लगता है कि हाँ ये इस पिक्चर पे ये आइडिया सूट कर रहा है। तो वैसे ही जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करने लगोगे उतनी रियल एसएसबी में तुमको आईआरएल हेल्प होगी। उसके बाद आई वेंट ऑन टू माय एसएसबी। मेरा जीडी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मेरा एक नेगेटिव पॉइंट था वो था लेक्चरेट। मैंने लेक्चरेट में काफ़ी कोशिश करी कि मैं कॉन्फिडेंट होके बोल पाऊँगा, लेकिन सब्सिक्वेंटली आई वॉज फेलिंग। फिर मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि लेक्चरेट को कैसे प्रिपेयर करना है, उस तरीके से फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ाया और मैंने उस तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट करा जैसे मेरे दोस्तों ने बताया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ भाई ऐसे लेक्चरेट को प्रिपेयर करना है और टेंशन फ्री होकर लेक्चरेट देना है, तो डायरेक्टली अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगता है लेक्चरेट के लिए। तो ये सब मैंने अपने एसएसबी से पहले अपने आप को फुल प्रिपेयर कर लिया था। 24th को हमारी फर्स्ट डे थी स्क्रीनिंग की। आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्क्रीनिंग क्योंकि मेरी जीडी काफ़ी अच्छी जाती थी, मैं अच्छे से कॉपरेट करता था ग्रुप में, अच्छे वैल्यूएबल पॉइंट्स देता था ग्रुप को। तो फर्स्ट डे आई गॉट स्क्रीनड इन। उसके बाद ऐसा था कि अब अगले चार दिन तो यहाँ से रिकमेंड होकर ही जाना है, लेकिन ऐसे सेकेंड डे थर्ड डे निकला, फिर हमारा पर्सनल इंटरव्यू हुआ। पर्सनल इंटरव्यू में बेसिकली जो तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड है, फेमिलियर एरिया, उसमें अपने आप को एक्सेल करना ज़रूरी होता है। अगर तुम उसमें एक्सेल नहीं कर पाते तो वो तुम्हारे लिए नेगेटिव पॉइंट बन जाता है क्योंकि तुम्हें वही चीज़ नहीं पता जो तुम्हें पता होनी चाहिए। बाकी जो डिफेंस रिलेटेड नॉलेज होती है और एक्स्ट्रा करिकुलर का होता है वो अगर तुम नहीं भी कर पाओगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो तुम्हारा फेमिलियर एरिया है तुमको उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना पड़ेगा अपना, फिर उसी सब चीज़ों की प्रेफरेंस फॉर जीटीओ। सेकेंड लास्ट डे हमारा जीटीओ स्टार्ट हुआ था, आई वॉज गुड इन जीपी जीडी, लेक्चरेट भी मेरा काफ़ी सही गया था, लेकिन आई वॉज लैकिंग बिहाइंड इन पीजीटी विच आई थॉट कि इज बैकिंग मी डाउन इन द जीटीओ। तो उसके बाद आई वॉज ऑफ कि नहीं यार मेरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुमको जीटीओ किस नज़र से देख रहा है और तुम्हारी नज़र क्या है। तो अपना कॉन्फिडेंस कभी कम मत करना, हमेशा एक्टिव रहना ग्रुप में, यही बात होती है। फिर अगले दिन हमारा लास्ट जो कॉन्फ्रेंस दिन था उस दिन हमारा लास्ट जीटीओ डे भी था, उसी में मैंने अच्छे से हर चीज़ में मैं आगे गया, मैंने हर चीज़ में ग्रुप के साथ कॉपरेट करा। और फिर हमारी जब लास्ट डे कॉन्फ्रेंस हुई तो आई वॉज शॉक टू लिसन माई चेस्ट नंबर, जब उन्होंने बोला कि चेस्ट नंबर 52 यू आर रिकमेंडेड, आई वॉज ब्लैंक, मैं पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। मैंने सोचा मतलब मेरे से बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो भी नहीं हुए। तुम्हारा नज़रिया होता है कि ये तुमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये तो पक्का रिकमेंड हो जाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि एसएसआर किस नज़र से तुमको देख रहा है। तो आफ्टर दैट आई गॉट रिकमेंडेड, अलग सी फीलिंग आती है कि हाँ मतलब जितना भी तुमने पेन झेला था पिछले एक डेढ़ साल में, जितनी भी तुमने प्रिपरेशन करी थी, आखिरकार एंड में आके सक्सेसफुल हो ही गई। और मेरे लिए काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी क्योंकि मेरी ये फर्स्ट एसएसबी थी और मेरा लास्ट अटैम्प्ट का अटैम्प्ट था, तो आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपनी एसएसबी भी निकाल ली। तो इट वॉज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माई फैमिली एज वेल। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ सक्षम पांडे, आई बिलोंग्स फ्रॉम कानपुर और मैंने अपनी स्कूलिंग करी है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 अरमापुर कानपुर से। सो केवी स्कूल था तो कंटोनमेंट एरिया में सिचुएटेड था, तो वहाँ पे आर्मी पर्सनल दिखते रहते थे, तो वहीं से स्टार्टिंग की मोटिवेशन आई थी कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, बट ये नहीं था कि क्या करना है, एनडीए करना है कि एक्सवाई करना है। लेकिन जैसे जैसे अपर क्लासेस में जाते गए, 10th में आए, 11th में आए, तब हाथ में फ़ोन लगा, इंटरनेट का यूज़ करा, तब गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च करा था कि बेस्ट करियर ऑप्शन, तो वहाँ से एनडीए का पता लगा। फिर उसके बाद प्रिपरेशन 11 से स्टार्ट कर दी थी और एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल था अर्पित सर का, उसको फॉलो करा था। उसके बाद वहाँ से मैंने रिटर्न की प्रिपरेशन चालू करी थी। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में तो क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि ऑनलाइन में कंसेप्ट तो सारे क्लियर कर लिए थे बट प्रैक्टिस नहीं करी थी। फिर उसके बाद अर्पित सर का ऑफलाइन बैच आया था एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी में, तो मैंने वहाँ पर इनरोलमेंट करी, वहाँ पर गया था 2.5 मंथ्स वहाँ पर रहा, सारी क्लासेस फॉलो करी अर्पित सर की, प्रवीण सर की, कार्तिकी सर की, जितने भी फैकल्टीज थी। उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे जो दिए जाते थे, पीवाईक्यूज करे और एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी तो सबको अटेंड करा था। उसके बाद एनडीए रिटर्न क्लियर हो गया था एनडीए 150 का जो कि सितंबर में था। उसके बाद एसएसबी की प्रिपरेशन चालू करी, उसके लिए भी कोचिंग ज्वाइन करी थी। उसके बाद कोचिंग के बाद सेल्फ प्रिपरेशन करी थी दोस्तों के साथ, ऑनलाइन गूगल मीट वगैरह के सेशंस करे थे। एसएसबी के मैंने 6 अटेम्प्ट्स दिए टोटल, जिसमें से 2 बार रिकमेंड हुआ, तो उस टाइम मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करी थी। एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था तो अपनी जितनी भी कमियां थी उसको मैंने सेल्फ एनालाइज करा, उसके ऊपर काम करा और उसके बाद मैंने फिर से रिकमेंड हुआ और मेडिकली फिट हो गया। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और प्रिपेयर करना चाहते हैं आर्म्ड फोर्सेज के लिए तो यू शुड ज्वाइन एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी जो कि फिलहाल दिल्ली में सिचुएटेड है। थैंक यू। जय हिंद एस्पिरेंट्स, मेरा नाम अर्चित कोटावदे है एंड आई एम रिसेंटली रिकमेंडेड फ्रॉम 17 एसएसबी बैंगलोर।
आई बिलोंग टू मुंबई महाराष्ट्र. सो बेसिकली मेरे जो फादर है वो एक बिजनेसमैन है एंड माय मदर इज़ अ होम ट्यूटर. सो मेरा जो इंस्पिरेशन था या जो मेरे को जो मुझे किक स्टार्ट मिला वो जब मैंने एक परेड देखी थी ऑन 26th of January की, तो उसमें से मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मुझे इसमें कुछ तो करना है, लाइक डिफेंस फोर्सेस में जाना है. तो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट इट एंड देन आई एंडेड दैट कि मतलब मुझे कि एनडीए करना है. तो जब मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे यूट्यूब पे एसएसबी गाइड की टीम दिखी. मतलब व्हेन यू सर्च ऑन यूट्यूब की बेस्ट कोचिंग फॉर एनडीए या बेस्ट गाइडेंस फॉर एनडीए, तो सबसे पहले एसएसबी गाइड का नाम आता है. सो जब मैंने उनके बारे में थोड़ा देखा तो फर्स्ट आई जॉइंड देयर बैच ऑन यूट्यूब. सो उधर मैंने देखा कि कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं. तो फिर मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में आई डिसाइडेड कि मैं ऑफलाइन जाऊंगा. फिर मैंने पेरेंट्स को भी कन्विंस किया ऑफलाइन कोचिंग के लिए. सो देन आई जॉइंड ऑफलाइन कोचिंग एट एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी एंड देयर मैंने जो जो चीज़ें सर बताते थे वो बहुत रिलीजियसली फॉलो की. लेट इट बी डीपीपीज, मॉक टेस्ट हो गया या जो डेली टेस्ट होते हैं उनके, वो सब रिलीजियसली फॉलो किया. और जो पीवाईक्यूज होते हैं वो भी सब सॉल्व किए सर के साथ. सो मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट 100% मिलता है जब आप टीचर्स को ट्रस्ट और ट्रस्ट बिलीव करके आप उनको फॉलो करते हो. एसएसबी के लिए मैंने कोचिंग ली थी. सो एसएसबी वाज वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट, एज इट वाज माय फ्रेशर अटेम्प्ट. सो एट द एंड मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जब डेफिनेटली अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप एसएसबी गाइड टीम को ज़रूर ज्वाइन करें एंड उनको रिलीजियसली फॉलो करके अपना रिजल्ट पाएँ. Jain everyone, myself Yashwardhan Singh and I am from Raebareli, UP and I have been recommended from 22 SSB Bhopal. So, क्योंकि मैं बचपन से ही एक स्पोर्ट्स पर्सन था, मैं मार्शल आर्ट्स खेलता था और 11th-12th में मैंने NCC का B सर्टिफिकेट भी किया है, तो ज़्यादातर बच्चों की तरह मेरा भी आर्मी ऑफिसर बनने की तरफ एक रुझान था. और मैंने अपने 12th में सेल्फ प्रिपरेशन से बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ दो बार रिटर्न अटैम्प्ट दिया, जिन दोनों में मैं फेल रहा. तब मुझे पता चला कि बोर्ड की पढ़ाई के साथ साथ एनडीए निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे एनडीए निकालने के लिए और भी कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी. तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और मुझे एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी का पता चला. तो मैंने इसके तीन मंथ्स के कोर्स में इनरोलमेंट किया और यहाँ की फैकल्टी के बहुत ही डेडिकेटेड हार्डवर्क से, और मैंने एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी के तीन महीने के कोर्स में इनरोल किया. और यहाँ के पूरी टीम ने बहुत ही ज़्यादा लगन से हमें पढ़ाया. रात रात भर हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस लिए जाते थे. जो टीचर्स थे जो कि हॉस्टल में ही रहते थे, रात रात भर जाग कर दो दो तीन तीन बजे तक जाग कर हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, हमारे डाउट सॉल्व करते थे. और इससे हमें काफ़ी मदद मिली थी. जिस NDA 150 में मैंने ये कोर्स लिया था और उस बार मैं दुर्घटनावश कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, लेकिन अगली बार मैंने फिर यूट्यूब से ही SSB गाइड डिफेंस एकेडमी के चैनल से दोबारा तैयारी की और दोबारा अपना रिटर्न क्लियर किया और इस बार मैं 22 SSB भोपाल से रिकमेंड हुआ. थैंक यू. जय हिंद एस्पायरेंट्स, आई एम सिद्धांत शर्मा. आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली. मैं एक सिविलियन बैकग्राउंड फैमिली से आता हूँ एंड मेरा बचपन से ही सपना था कि मेरे को एक आर्म फोर्सेज में फाइटर पायलट बनना है. नाउ मुझे NDA के बारे में कैसे पता चला? नाउ सिंस मेरे को बचपन से फाइटर पायलट बनना था, मैंने YT पर यानी कि यूट्यूब पर वीर बाय डिस्कवरी नाम से एक चैनल है उस पर इंडियन एयरफोर्स की डॉक्यूमेंट्री देखी, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी. सो उसमें जैसे जैसे मैं देखता गया तो वहाँ पर मेरे को पता चला कि जो स्टेज वन के कैंडिडेट्स होते हैं वो डायरेक्ट NDA से आते हैं. नाउ ये वर्ड NDA मुझे स्ट्राइक कर गया एंड मैंने रिसर्च चालू की NDA के ऊपर कि वॉट इज़ दिस. मैं यूट्यूब पर गया, देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दैट. उसके बाद मुझे पता चला कि NDA का एग्ज़ाम होता है, SSB होता है, देन देयर इज मेडिकल्स एंड ऑल. नाउ व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय रिटन एग्जामिनेशन इन सेप्टेम्बर व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, नाउ सेप्टेम्बर अटेम्प्ट वाज माय डमी अटेम्प्ट बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट आर द प्रोसेसेस एंड व्हाट्स द सिलेबस, व्हाट्स द कंप्लीट प्रोसीजर. सो आई जस्ट गेव आफ्टर वॉचिंग सम यूट्यूब लेक्चर्स ऑन दैट. नाउ उसके बाद जब मेरे बोर्ड्स कंप्लीट हो गए, जब मेरा सितंबर वाला अटेम्प्ट निकल गया, तो मेरे को अर्पित सर के बारे में पता चला. जब मैंने YT पर डाला बेस्ट कोचिंग एकेडमी फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, सो उस टाइम पर अर्पित सर का एक कोर्स आया था संकल्प बैच. मैंने संकल्प बैच में एनरोल करा एंड आफ्टर दैट मैंने धीरे धीरे क्लासेस लगाई बोर्ड से पहले.
नाउ बोर्ड्स के दौरान मेरी थोड़ी सी स्टडीज़ रुक गई थी बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, बट आफ्टर दैट टीचर्स की डेडिकेशन एंड टीचर्स का एक्सपीरियंस, उनको पता था कि बच्चों की प्रिपरेशन बोर्ड्स की वजह से रुकी हुई है. उन्होंने उस टाइम पर हेलमंथ लॉन्च किया एंड फ्रॉम दैट बहुत से बच्चों ने अप्रैल वाला जो अटैम्प्ट था उससे रिटर्न क्लियर किया, उनमें से मैं भी था. नाउ आफ्टर दैट मुझे अपने टीचर्स पर ट्रस्ट था, सो मैं SSB गाइड डिफेंस अकेडमी दिल्ली, वहाँ पर मैंने SSB की कोचिंग ली. वहाँ पर जो SSB गाइड के टीचर्स थे, मेंटर्स थे, दे गाइडेड मी वेरी वेल. जो मेरे छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो यहाँ पर पॉइंट आउट किए गए, जैसे कि मेरा लेट बैक एटीट्यूड. उस टाइम पर मैं लाइक ऐसा था कि बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, इंटरमीडिएट तक पहुँच गए, इट्स ओके, इट्स इनफ. नाउ दिस इट्स इनफ इज़ नॉट इनफ अकॉर्डिंग टू आर मेंटर्स, बिकॉज एक्सीलेंस इज़ वेरी नेसेसरी इन आर फील्ड. नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर माई रिकमेंडेशन फ्रॉम 3 AFSB गांधीनगर, एक छोटा सा सेटबैक आया दैट आई एम मेडिकली आउट. नाउ आफ्टर दिस ऑल्सो, आफ्टर माई अम्बिलिकल हर्निया सर्जरी, इन 20 डेज देयर वॉज हेल मंथ 2.0, इन विच हमारे जो टीम अर्पित के टीचर्स हैं उन्होंने 12-12 घंटे नॉन स्टॉप लाइव क्लासेस ली हैं. उसी से मैंने अपना सेप्टेम्बर वाला अटैम्प्ट भी क्लियर करा एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई नेक्स्ट SSB विच इज़ आई गेस मोस्ट प्रोबेबली इन जनवरी. दैट विल बी ऑल, थैंक यू. जय हिंद एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ प्रियांश लवानिया एंड आई एम फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश. एंड आई केम टू नो अबाउट NDA इन माई क्लास 12th फ्रॉम माई सराउंडिंग एंड माई लोकेलिटी. एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन एंड आई वॉज नॉट गेटिंग दैट किक इन माई प्रिपरेशन. तो मैंने फिर SSB गाइड पे गया और यूट्यूब से मेरे को उसके बारे में पता चला. वहाँ से मैंने कुछ क्लासेस लीं और मेरे को एक उसका फॉर्मेट और लेआउट पता लगा. उसके बाद फिर मैंने ऑफिशियली सब्सक्रिप्शंस लिए और प्रॉपर तरीके से SSB गाइड को फॉलो किया और उसके बाद मेरा रिटर्न फाइनली निकल गया और फिर मैंने SSB की कोचिंग लेने के बाद फाइनली आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 14 SSB अलाहाबाद. एंड आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू ऑल टू फॉलो SSB गाइड अकेडमी रिलीजियसली टू गेट द बेटर रिजल्ट्स. थैंक यू. Which is a small village in Bihar. My father is in army and my grandfather was also in army. I have done my schooling from various KVs, mostly KV Sunzwa and KV Patiala. I got to know about NDA when I was in class 7th, when I saw an officer and I talked to him and he told me that these are the examinations which I have to clear and I prepared for that. I came here for my SSB coaching and I prepared with different assessors. Mostly Krishnamurti sir had me a lot in interview section and they provided me the feedback. The feedback which was provided was in psych also, in GTO and in interview as well. It helped me a lot and I was a repeater, so it also helped me to nourish my stat stories and also in GTO ground tasks. Thank you. Jai Hind everyone, my name is Aryan Thakur. I was recently recommended from 14 SSB Allahabad in my first attempt. My father works in a private IT company and my mother is a homemaker. I have completed my education from a private school and I am from Dehradun. I got to know about NDA from SSB Guide Defense Academy and started preparing for it. I cleared my written examination in my third attempt and also I cleared my SSB in my first attempt. I took SSB coaching from SSB Guide Defense Academy, which helped me a lot.
All the assessors were totally great, and they also helped me rectifying my mistakes, which further helped me in clearing my interview in my first attempt. And I would recommend that if you are also preparing for written and also for SSB, SSB Guy Defense Academy is the one of the best or maybe the best academy for your preparation. Thank you. Jai Hind everyone. मेरा नाम रोहित अत्री है और मैं बरनाला पंजाब से हूँ. मैं हाल ही में NDA 151 के कोर्स में सिलेक्ट हुआ हूँ फ्रॉम 19 SSB इलाहाबाद. मेरे फादर एक बिजनेसमैन है और मेरी मदर एक होममेकर हैं. और NDA के बारे में मुझे सबसे पहले प्लस वन क्लास में पता चला था थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल. ही टोल्ड मी दैट इट इज़ एन ऑफिसर एंट्री एग्ज़ाम थ्रू विच वी कैन टेक पार्ट इन द आर्मी. और मैंने उसके बाद रिटन की प्रिपरेशन की और सेकेंड अटैम्प्ट मेरा रिटन निकला थ्रू द SSB गाइड डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल. एंड फॉर द SSB प्रिपरेशन आई केम टू द SSB गाइड डिफेंस अकेडमी इन जनकपुरी. द असेसर्स ऑफ द SSB गाइड डिफेंस अकेडमी आर वेरी गुड एंड दे गेव मी गुड फीडबैक अबाउट माई द प्रिपरेशन आई हैड डन. इट इज़ अ 15-day कोर्स एंड आफ्टर दिस 15-day कोर्स है. और अगर आप भी इंडियन आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप SSB गाइड डिफेंस अकेडमी में आ सकते हैं. जय हिंद एवरीवन. मेरा नाम ऋषभ मलिक है. मैं हरियाणा सोनीपत के छोटे से गांव कासंडा का निवासी हूं. मेरे पापा एक किसान हैं. मुझे NDA के बारे में अपने दोस्तों से पता चला और हमने मिलकर NDA रिटर्न की तैयारी की जिनका नाम है शुभम और मनीष. उसके बाद मुझे पता चला कि एक SSB इंटरव्यू भी होता है जिसके लिए मैंने एक अकेडमी ज्वाइन करने के बारे में सोचा. इसके लिए मैं SSB डिफेंस गाइस अकेडमी आया. यहाँ पर मुझे SSB के बारे में सब कुछ पता चला और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया गया जिसके बाद मैं SSB रिकमेंडेड हो चुका हूँ फ्रॉम 2 FSB मैसूर. थैंक यू.